बातों बातों में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर सर्वदे, सिडको की चीफ विजिलेंस ऑफिसर। मैम, हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने कहा कि आप तो कह रही हैं कि भाई बहुत काफ़ी बैलेंस से बात कर रही हैं कि 95% आपके हिसाब से नॉन करप्ट हैं सिडको में, कुछ 4-5% हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पर जो यूनियन है उसके काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। उनका कहना है कि भाई जब से ये CVO आई है हमारा बहुत हरासमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ का मेंटल टॉर्चर हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं लोग, उस दिन उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इसको किस तरह से आंसर करेंगे? जैसे मैंने कहा कि अबाउट 95% पीपल आर परफेक्टली गुड, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग आई फाइंड इन दैट, बट द फ्यू परसेंट ऑफ द पीपल जो करप्ट एक्टिविटीज करते हैं, एज सी वी आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, तो हर एक यहाँ का एम्प्लॉय जो है वो नोबडी इज अ किंग, एवरीबडी इज अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर सपोज टू सर्व द पब्लिक इन गुड फेथ, ओके। तो अगर कोई उल्टा सुल्टा काम करता है तो उसको अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना या उसको उसकी इंक्वायरी करना, ये विजिलेंस का काम है एंड दिस विल कंटिन्यू। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, वी आर नॉट हियर इन द पॉपुलैरिटी गेम, लाइक जहां एज फार एज दिस गोज कि हमें सबके यहाँ के एम्प्लॉयज बोले कि ये बहुत अच्छे ऑफिसर रहे हैं और हमको कुछ तकलीफ नहीं दी, आई थिंक इट वुड बी वेरी रॉन्ग सिग्नल टू इलेक्शन में नहीं खड़ा होना है, इलेक्शन में बिल्कुल खड़ा नहीं होना, एंड वी वुड लाइक टू डू आवर ड्यूटी वेरी फेयरली, सो दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से टू दिस। पर उनका कॉन्स्टेंटली ये कहते ना होता है कि भाई बहुत हरासमेंट हो रहा है, इंक्वायरी के बहाने हमको परेशान किया जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। एज आई मेंशन्ड वी आर पब्लिक सर्वेंट्स नॉट ओनली इन विजिलेंस बट ऑल अक्रॉस सिडको, तो अगर किसी पब्लिक की किसी एम्प्लॉय के बारे में या किसी काम के बारे में सिडको की कंप्लेंट रही है तो वो कंप्लेंट की इंक्वायरी को टू गो फॉरवर्ड इन दैट कंप्लेंट इंक्वायरी फेस इट, आई थिंक वो हमारा कर्तव्य बनता है एज एनी सिडको एम्प्लॉय और एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली वेयर अकाउंटेबिलिटी कम्स। हम पब्लिक को क्यों अकाउंटेबल है कि कोई हमें कहे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आप ये काम हमसे जबरदस्ती ये कर रहा है, हो रहा है समथिंग रॉन्ग विच दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट, वी शुड फेस दैट इंक्वायरी एज अ पब्लिकली अकाउंटेबल गवर्नमेंट सर्वेंट सिडको एम्प्लॉई, वी आर रिक्वायर्ड टू फेस पब्लिक कंप्लेन्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू देम, वी आर नॉट हियर टू टेक साइड्स कि हमने जो किया सच किया बराबर किया, द इंक्वायरी विल रिवील वॉट एवर इज द, सो देर मस्ट बी अ सर्टन सेंस ऑफ बिलीफ इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड नॉट फील कि हमें कोई इंक्वायरी हमें अगर हम पर अगर कोई इंक्वायरी करे तो वो हम पे प्रेशर है या टॉर्चर है, ये इस तरह के बातें आर नॉट इन ट्यून विद व्हाट आवर रोल इज एज अ पब्लिक सर्वेंट एंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मानना है कि कॉन्शियंस अगर आपका क्लियर है तो फिर आपको इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली, और कॉन्शियंस क्लियर है उसके बाद भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसके इंक्वायरी के लिए सामने आना, अपनी बात सामने रखना, उसमें कोई हैरेसमेंट टॉर्चर की बात होनी नहीं चाहिए। तो कहना है कि रिटायरमेंट हो रहा है आदमी सालों साल के बाद, तो उस टाइम पे आखिरी मोमेंट पे उनको वो एक केस ऐसी हुई कि कुछ दिन पहले उनके रिटायरमेंट के कंप्लेंट आ गई, तो कंप्लेंट को प्रॉपर इंक्वायरी होनी थी, यहाँ के बहुत सारे जो कंप्लेंट्स होती है वो बहुत पुराने जमाने से आई हुई इश्यूज के बारे में होती है, प्रॉपर इंक्वायरी टेक्स अ फ्यू डेज एंड स्पेशली मैटर्स ऑफ लैंड, it takes some proper time to verify the facts, and when at the end of it we find ki there is some conflict of interest which has happened in that complaint, obviously actions have to be taken even if it is the last day of retirement. ji ma'am, ye bhi hai ki काफी और इश्यूज उठा रहे हैं, उनका कहना है कि आप तो करप्शन की सिर्फ बात कर रही हैं, हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, स्टाफ शॉर्टेज है, सिडको आप रिक्रूट नहीं कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर रहे हैं, उसमें पैसे बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ का जो एम्प्लॉयज वैकेंसीज का इशू है वो इट्स अ वेरी जेन्युइन इशू, बिकॉज काम तो बढ़ते जा रहा है, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क इन आवर एस्टेट डिपार्टमेंट, इन आवर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, in our lands department, in our engineering department, or at the same time there is a shortage of manpower simultaneously. What I've seen is over the last decade or so yahan pe koi recruitment hui nahi hai, aur jab bhi recruitment hui hone ka whenever they managed to go at the stage of advertisement, there has been a lot of local resistance because the whole of Navi Mumbai has been
based on lands acquired from the local farmers and local residents. And there is a lot of sentiment about project affected people in this area. So, iske karan, there is always a resistance to taking in people who are not project affected persons into SIDCO. Okay, so recruitment, now SIDCO being a government organization, it's a 100% government owned company. Uske karan it has to follow government rules. So jab bhi recruitment ke rules recruitment ke liye jate hain, to recruitment ke rules ke anusar there is only a 5% reservation for project affected persons in the as per the government rules on that. Now 5% is not even, you know, the only the local area project affected. It is any project affected person from across Maharashtra. कोई भी प्रोजेक्टग्रस्त हो तो 5% में आ जाएगा. 5% में आता है. तो ये इस तरह के रूल्स, सो देयरफॉर देयर इज अ लिटिल सेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन इनटू रिक्रूटमेंट बाय द लोकल पीएपीज. तो उस कारण एजिटेशंस होती है एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस टू दैट. तो इसके कारण आई थिंक रिक्रूटमेंट हैज नॉट बीन पॉसिबल ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स एंड देयर आर वैकेंसीज. पीपल रिटायर एवरी मंथ एंड यू नो देयर इज अ कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम ऑन दैट. एट द सेम टाइम, as I said, this is a mini government and it has to deliver services. People of Navi Mumbai cannot suffer because SIDCO mein log nahi hai. So at the same time, they also do not want shoddy service. Log nahi hai iske karan. So taking care of the competent delivery of service, ki what is the best way in which we can give out that. At the same time, to get the work done, SIDCO has had this policy to appoint consultants to get advice, get proper advice to do that job in the best possible way, or the project management consultants, implementation consultants, so wherein they oversee a lot of things, you know, which otherwise a full fledged employee filled organization may have, you know, maybe a 25% need of this, but now here the need is much more because of this. And the third thing in this is there are very large projects which have been happening over the last couple of years. We have this metro and this airport, and so all these require a lot of expertise also, which you have to have a much larger expertise than what exists and use that expertise to make the best product available in the city. So uske karan I think this thing about having more consultants in SIDCO has been around for a while, but the process of appointment is pretty transparent. Okay. And therefore, also the supervision happens over a lot of things. Like I am myself aware because MD gives me a certain, few things where he feels that there should be a supervision by the vigilance. So, like we have this quality audits on most projects, on all kind of engineering works. So now the quality audits. We have the not only the internal quality audit, we have the ISO quality audit, we have so these are the third party quality auditors. Okay? So on all of that, are there any ways in which we can, so I also oversee something, if there are issues coming up there, if there are things which can be improved with the help of these outsiders. Okay, outsiders lete hai, par how best to utilize them is something that is a lot work goes on that. So I think overall, because of these consultants, because of these outside quality audits, etc., we have a better quality product. And I think we get a sense of comfort ki jo bhi, whatever we are delivering at that end is of good class, good quality, it won't fail, though we are short-staffed. आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कंसल्टेंस इसलिए है क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स है और एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्टाफ शॉर्टेज है क्योंकि पीएपीस की वजह से उनकी जो डिमांड है कि हमें भर्ती किया जाए, बट पॉसिबल नहीं है कि 5% से ज्यादा कर सके. अनदर थिंग, दिस पीएपी इज देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो आई फाइंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोथ द एमडी एज वेल एज द जॉइंट एमडी, अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ एम्पथी यू नो विद द प्रोजेक्ट अफेक्टेड एंड द पीपल ऑफ नवी मुंबई. काफी ट्रेनिंग कोर्सेज भी शुरू की गई बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक द लोकल्स कॉम्पिटिटिव इनफ, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स SIDCO तो नहीं बदल सकती जी. पर जब भी गवर्नमेंट बदलेगी, गवर्नमेंट की रूल बदलेगी, तब ऑब्वियसली SIDCO विल फॉलो द प्रोसेस. बट टिल सच टाइम, टू इन ऑर्डर टू एनेबल द लोकल पीएपीज टू पार्टिसिपेट बेटर इन टू आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कम इन मोर नंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन,
देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विच आर ऑर्गेनाइज यू नो जिससे वो उनको ज्यादा कैपेसिटी हो इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन टू दिस प्रोसेस एंड गेट रिक्रूटेड इन सिडको. सो एफर्ट्स तो है पर इट फाइनली हैज टू वर्क विद इन रूल्स. ये सब के बावजूद यूनियन क्यों नाराज है? यूनियन मुझे लगता है कि इट देर इज अ चेंज इन द वे सिडको हैज बीन फंक्शनिंग सिंस द लास्ट मे बी 2 years or so. Any sudden change, it leads to a sense of unease ki kya ho raha hai and things like that. So maybe they are trying to project that look, there are too many consultants, but it is not, as I said, it is not not really a concern as far as I am concerned, as far as public goods are concerned, as far as public service delivery is concerned. So I think talking to them should be able to smooth out this. एक thinking ये भी है कि ये जो अलग अलग issues raise किए गए हैं ये basically diversionary tactics है कि जो corruption के against fight चल रही है उसकी वजह से ये सब बाकी issues उठाए जा रहे हैं ताकि उससे ध्यान थोड़ा हटे और ये बातें हों. हटने वाला तो है नहीं, इसके कारण जो भी कुछ भी करे ये corruption के fight के against corruption is not going to stop. We will continue our activities. We fight not only corruption which comes to us as a complaint, we also are fighting so that no complaints come to us on corruption. So we will continue irrespective of pressure tactics or anything else. So that is not a concern at all. Oh, kafi firm sign hai. Ma'am, ek aur cheez discuss karna chahunga ki करप्शन के खिलाफ तो आपकी लड़ाई चल ही रही है, डेवलपमेंट की भी अगर बात करें तो जिस तरह से कुछ मॉडल विलेजेस उधम साइड में जेएनपीटी एरिया में आप लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें आप भी काफी इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में कुछ. एक्चुअली एमडी ओवर द लास्ट 5-6 ऑड मंथ्स उन्होंने वी हैव ही हैज फॉर्मड अ टीम सेपरेट पार्ट ऑफ इट्स यू नो वी वर्क ऑन मल्टीपल फ्रंट्स जी. तो उस तरह से देयर इज अ टीम व्हिच इज वर्किंग ऑन जेएनपीटी इन्फ्लुएंस एरिया एंड व्हिच इज अंडर वन व्हिच इज ओवर आई हेड इट. But under me there is one additional chief planner and there is somebody from the engineering department and from our rehabilitation department. So it's a accounts department and estate department. So it's a kind of a mixed bag and we have a team together which is looking at developing the JNPT influence area into something very, very appropriate for what is coming up in the economy in that area. That is the JNPT की कैपेसिटी डबल हो रही है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. देर आर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन दैट एरिया विच आर ऑलरेडी वर्किंग लाइक दिस ओएनजीसी इज देयर, बीपीसीएल इज देयर, जेएनपीटी तो है ही. तो एंड दिस रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो केम एंड इनॉग्रेटेड जेएनपीटी वगैरह, एमटीएचएल के भी प्लान्स हैं, एमटीएचएल के भी प्लान्स हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमी कमिंग इन दिस एरिया. एयरपोर्ट इज नॉट टू फार आल्सो फ्रॉम देयर. सो at the same time it is not a very developed area. The planning has not, we have not looked at planning that area properly and now we are starting to look at the planning to area properly. So in order to create a good environment which will cater to that evolving economy, we thought we should there should be this group which looks into this planning as a comprehensive exercise, not merely as a planning exercise or maps pe kuch plans banaye us tarah se na karke. How do we make it useful to the people who will live in that area? One of the thoughts we had was that the village is a great community in the sense that a city is never a community. City is a very diverse set of people. So can we retain the villageness of that area? Okay. So there are say 30 villages. We need to make the villages smart, good enough so that they are able to integrate well into that local economy. So can there be some integrated development on in terms of infrastructure with the focus on health, on cleanliness, on education? So under that, you know, we have things like sanitation and schools and footpaths and beautification of ponds where people gather in the evenings and things like that. Or the one part of this project which we've already successfully put in place is at Dasai. Dasai is our first village like that, and that is on the solid waste management. We thought that local waste should be disposed of locally. It should not need to travel very far
फॉर डिस्पोजल, बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू सुपरवाइज. वो होता नहीं है. इवन इन सिटीज वी नो कि कई कई बार गाड़ियां आती नहीं है, डर्ट रिमेन्स. सो यहाँ पे तो दूर जगह है, तो सुपरवाइज इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल इज नॉट नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. सो कैन वी हैव अ लोकल डिस्पोजल? सो वी सेट अप दिस लोकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बेस्ड ऑन समथिंग विच वी आर स्टार्टेड इन अवर उन्नति हाउसिंग स्कीम. सो इट इज अ ऑर्गेनिक वेस्ट, इट मेक्स ऑर्गेनिक मैन्योर. एनजीओ को भी साथ में लिया? हाँ, एनजीओ को साथ में लिया. और इवन कलेक्शन के लिए ये लोकल स्त्री मुक्ति संगठन के जो वॉलंटियर्स है उनकी तरफ से द पीपल कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द विलेज एंड दे ब्रिंग इट टू दिस स्पॉट विच इज जस्ट आउटसाइड द विलेज, और वहीं पर वो प्रोसेसिंग होके उसकी मैन्योर बनती है. होपफुली वी आर लुकिंग एट डूइंग द सेम मॉडल अक्रॉस दिस होल जे एन पी इन्फ्लुएंस एरिया, जिससे मे बी विद दैट मैन्योर वी मे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आवर own, because we maintain gardens and all in the city also. So reduce the cost of the fertilizer maintenance, things like that. Second important thing we've done in that is we've got all the central government agencies together. Recently the government of Maharashtra has issued an order saying that under our MD SIDCO there will be a the for this influence area, it will be a committee which will look at all problems of that area. So it has the people from ONGC, JNPT, and deputy chairman is there. Then there is somebody from BPCL. There is the commissioner of police, Navi Mumbai. So all kinds of problems of this area are looked at by this committee. It is just recently set up. So after the formal order, the first meeting is yet to take place. But informally, we have been meeting. The one of the things in that is to use the CSR funds of all these companies to make them adopt all the villages in this area, so that say if somebody takes 3, somebody takes 4, so all the villages simultaneously get a standard development. The template is what a coordinated tarike se pura hoga. And the template is something what we have decided for Dasai. So everybody comes up to a certain level, maybe not simultaneously, maybe over 1 or 2 years, but everybody is raised to that level. But village remains village and it does not become a city. So that is the whole idea. At the same time, the the infrastructure for the port, the container freight stations, parking areas, all that is being separately looked at. So that is what we are looking at as this thing. At the same time, people, the more important concern is always how will the people integrate into the local economy. So we have plans of upgrading, from the school level onwards, informing the children, parents, as to what kind of courses they should go for, where are those courses available, what kinds of jobs are there in the future, or ongoing. So the people are advised properly and they get themselves into those kind of fields voluntarily, they choose, and then they can integrate better. So we will have a situation where people are ready to be employed if they are taught English and things like that. So these are some of our thoughts for integrating these into that. मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया हमें और बहुत काफ़ी कुछ जानकारी दी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन बातों बातों में. बहुत साफ है कि पॉजिटिव चेंजेस, चाहे वो सिडको के अंदर हो या सिडको के बाहर जेएनपीटी इन्फ्लुएंस एरिया में, काफ़ी उम्मीद है एंड वी आर ऑल होपिंग इट वर्क्स. बातों बातों में आज के लिए सिर्फ इतना ही, पर आप बातें करते रहिए.